नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब हम अपने इस चैनल पर हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही पतली सी यह पुस्तक है, कुछ ही पृष्ठ हैं। इसके माध्यम से हम हिंदी साहित्य की एक रूपरेखा बनाने का और उसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि हिंदी साहित्य की बेहतरीन बहुत सारी किताबें हैं जो ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारी से भरी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में हमारा लक्ष्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य को बिल्कुल जीरो से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, अर्थात इससे पहले यदि आपने हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ा है, उसकी जानकारी आपको नहीं है, तो भी इस पुस्तक के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए इसकी पहले विषय सूची देखते हैं और फिर प्रथम अध्याय को प्रारंभ करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम चार कालों में बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल काफ़ी विस्तृत है क्योंकि उसके अंतर्गत पद्य साहित्य यानी कविता के साथ साथ गद्य विधाएं जैसे कि उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी आदि का भी विकास हो गया था। तो इसीलिए इस पुस्तक में हम केवल तीन काल पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल और पढ़ेंगे रीतिकाल। इसके बाद आधुनिक काल हम अन्य पुस्तक से पढ़ेंगे जो इसका ही दूसरा भाग है। पुस्तक प्रारंभ होती है पूर्व पीठिका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ इतिहास आजकल मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, वो सब तब आपको याद होंगे, तब समझ में आएंगे, तब आपको एक पूरा ब्यौरा आपके समक्ष होगा। सबसे पहले आदिकाल से पहले जानेंगे कि परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय क्या चल रहा था कि इस साहित्य का जो स्वरूप है वह उस समय उस तरीके का साहित्य लिखा गया। भक्ति काल में क्यों भक्ति की प्रधानता बढ़ी और किस प्रकार धीरे धीरे हमारा साहित्य वर्तमान स्थिति में पहुंचा, और इसी प्रकार भाषा का क्रम भी हम देखेंगे कि आदिकाल की भाषा कैसी थी, भक्ति काल में क्या परिवर्तन आए। जैसे भक्ति काल में ब्रज और अवधि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा गया, पद्मावत लिखा गया, रीति काल में पुनः ब्रज भाषा का जो है आधिपत्य रहा, और भारतेंदु काल में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ और द्विवेदी युग तक आते आते खड़ी बोली गद्य के साथ पद्य की भी भाषा बन गई। तो इन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से हम अपने इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ने और समझने जा रहे हैं। पूर्व पीठिका प्रथम अध्याय, इसके अंतर्गत लेखक हमें समझा रहे हैं कि भारत की वर्तमान भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि है। ये स्वतंत्र, सबसे पहले देखिए हम भाषा पर, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हिंदी अपने वर्तमान रूप में कैसे आई, तभी उसका आप साहित्य समझ पाएंगे और पहले का रूप कैसा था। तो बस वही है, यह स्वतंत्र भारत की राजभाषा होने के साथ साथ भारतीय जनता की आशा आकांक्षा और गौरवशाली सांस्कृतिक वैचारिक परंपराओं को व्यक्त करने वाली राष्ट्रभाषा भी है। 10वीं शती से आज तक का इसका विपुल साहित्य हमारे, अब हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव कब से मान रहे हैं ये 10वीं शती से, तो 10वीं शती से आज तक इसका विपुल साहित्य हमारे जातीय जीवन के उत्थान पतन, हर्ष विषाद, भक्ति वैराग्य का सर्वाधिक मुखर साक्षी है। हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के राजनीतिक आर्थिक कारण तो हैं ही, उनसे भी बड़ा कारण है इसका लोकधर्मी साहित्य। लोकधर्मी साहित्य वही है जिसे रामचंद्र शुक्ल की भाषा में आप कहते हैं काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, शुक्ल का निबंध है, वह इसकी विस्तृत व्याख्या है इस शब्द का। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा का भक्ति काव्य मानव हृदय में प्रवाहित अखंड प्रेम की व्यंजना करके विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त एक ही सत्ता के दर्शन कराता है। तो ये कौन सा काल हो गया, भक्ति का। ठीक, अब बिहारी, घनानंद, पद्माकर आदि का श्रृंगारी काव्य स्त्री पुरुष के सहज आकर्षण, रूप सौंदर्य, मिलन बिछो,
आदि के सुंदर चित्र प्रस्तुत कर लौकिक आनंद की सृष्टि करता है। यानी भक्ति साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन सा अलौकिक आनंद मिलता है, दिव्य आनंद मिलता है, लेकिन रीति काल में पहुँचते पहुँचते लौकिक आनंद की वृद्धि हो गई। जो संसारिक सुख हैं उनका उनसे संबंधित रचनाएं रीति काल में लिखी गई। हम सभी जानते हैं कि दरबारी काव्य लिखा गया। अब चंद्रवरदाई भूषण प्रभृति कवियों की वीर रसपूर्ण रचनाएं इस पवित्र भारत भूमि के धर्म संस्कृति और समूचे जनजीवन की रक्षा में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं। तो चंद्रवरदाई किस काल के हैं? आदि काल के। तो कुल मिला के जिस समय की जैसी आवश्यकता थी वैसी रचनाएं हिंदी साहित्य में हुई हैं। सदियों से परतंत्र तथा शोषित भारतीय जन समुदाय को जगाकर प्रेमचंद प्रसाद और निराला का साहित्य राष्ट्रीय आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है। तो ये हमें लेखक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जनता की मनोवृत्तियों में भी साहित्य परिवर्तन लाता रहता है। साहित्य से जनता प्रेरणा लेती है और जो समाज में चल रहा है उससे साहित्य इतिहास जो लेखक है वो प्रेरणा लेकर साहित्य लिखते हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद प्रसाद के माध्यम से आधुनिक काल की रचनाओं की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं लेखक। इस समृद्ध साहित्य पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। इसके इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उन नियामक तत्वों पर विचार कर लेना उचित होगा जिनके आधार पर हिंदी साहित्य की निर्मिति हुई है। और वे तत्व क्या हैं, कौन से तत्व हैं? देश, भाषा, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपराएं, राजनीतिक परिस्थितियां और जनता की चित्तवृत्ति। शुक्ल सर्वाधिक चित्तवृत्ति को महत्व देते हैं। अब हिंदी प्रदेश। हिंदी भाषा एवं साहित्य भारत के अन्य भाषा साहित्यों के बीच अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। देखिए अभी हमने आदिकाल को प्रारंभ नहीं किया है, हम अभी पूर्व पीठिका पढ़ रहे हैं, भूमिका पढ़ रहे हैं। इसके बाद साहित्य इतिहास की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण को पढ़ेंगे। कहीं आप सोचें कि आदिकाल के अलावा ये हमें मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ रहा आपको, बल्कि आपकी जो जानकारी है उसे आपके जो पढ़ने वाले हो उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की जा रही है। हिंदी भाषा एवं साहित्य भारत के अन्य भाषा साहित्यों के बीच अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके मूल में हिंदी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ है। भारतवर्ष एक विशाल महाद्वीप है। भौगोलिक दृष्टि से इसे तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वो हिमाच्छादित हिमालय पहला वह हिमाच्छादित हिमालय प्रदेश है जो देश के उत्तर में फैला हुआ है। उसके नीचे गंगा और सिंधु के मुहानों के बीच फैला विशाल उपजाऊ मैदान है। फिर दक्षिण का पठार है। इनमें से विशाल उपजाऊ मैदान ही हिंदी प्रदेश है। यानी हिमालय को छोड़ दीजिए और नीचे जो है दक्षिण के पठार को छोड़ दीजिए, बीच में गंगा और सिंधु के मुहाने पर जो उपजाऊ प्रदेश है वह हिंदी प्रदेश है। यानी वही हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। यह देश का सर्वाधिक उर्वर मध्यभाग है। हिंदी और इसकी सभी बोलियाँ इसी मध्यभाग में विकसित हुई हैं। यह हिंदी प्रदेश पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश के दक्षिणी भाग, पूरब में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर, दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैला हुआ है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्य मेखला, उत्तर पश्चिम में राजस्थान का थार मरुस्थल है। उत्तर की पर्वतीय श्रृंखला को छोड़कर हर ओर से खुला यह समरस मैदान अधिकतर हरा भरा है। गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियां प्रभाव मान रहकर इसे उपजाऊ बना रही। यह प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय है, अतः यहाँ के लोग संघर्ष रहित सरसतापूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। छह ऋतुओं के प्रभाव से तरह तरह की फसलें होती हैं। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक सुख समृद्धि पूर्व काल से ही रही है, इसीलिए विदेशी आक्रमणकारी बराबर इस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए सचेष्ट रहे। यहाँ अनेक लड़ाइयाँ हुई। मुसलमानों ने इस पर कब्जा करके इसे केंद्र बना के समूचे भारत पर शासन किया। बाद में अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया। इससे हिंदी प्रदेश के जनजीवन, भाषा, रीति नीति आदि पर गहरा प्रभाव पड़ा और विदेशी जातीय के प्रभाव के संपर्क में आकर हिंदी भाषा सामान्य रूप गति मिली। तो आपको लेखक ने पूरी तरीके से समझा दिया कि हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन सा है, कहाँ ये बोली जाती है,
और किन किन ने इन पे शासन किया और इसीलिए इसमें परिवर्तन आते रहे समय के अनुसार। हिंदी प्रदेश की लहलहाती फसलें, फल और फूलों से लदे वृक्ष, गंगा यमुना शिप्रा घाघरा की प्रवाहमान जलधाराएं, पशु पक्षी, बदलती हुई ऋतुएं सब अपने आकर्षक रूप में हिंदी साहित्य में वर्णित हैं। यहाँ के पवित्र तीर्थों, नगरों, गांवों और खेत खलियानों से समूचा साहित्य रचा बसा है। इस भौगोलिक परिदृश्य को समझे बिना हिंदी साहित्य का अतीत हृदयंगम नहीं किया जा सकता है। आपको ये जो समझे बिना आप इसके अतीत को हृदयंगम नहीं कर सकते। अब इसकी बोलियों को देखेंगे, तो कि साहित्य बाद में समझेंगे, सबसे पहले बोली समझेंगे। और इससे हमारा बोली वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये 17 बोलियाँ हैं और यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने निश्चित हैं। एक तो निश्चित ही पूछा जाएगा, तो चलिए इसको भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी और उसकी बोलियाँ। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विविध क्षेत्रीय रूपों से माना जाता है। अपभ्रंश भाषाओं का समय मुख्यतः 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानने पर निश्चय ही हिंदी और उसकी बोलियों का प्रारंभ भी 10वीं शती से स्वीकार करना पड़ेगा। भाषा वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और उसकी बोलियों का सीधा संबंध सौर शैनी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी तथा उसकी बोलियां अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी से और बिहारी मैथिली भोजपुरी मगही मागधी से जुड़ी हैं। इसी तरह हिंदी देश में हिंदी की 5 उपभाषाएं और मुख्य 17 बोलियां प्रचलित हैं। तो भाषा है हिंदी, उपभाषाएं 5 है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसे आप कौरवी भी कहते हैं। कौरवी किस भाषा को कहते हैं, यह भी पूछा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसे आप कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और ये सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे पुराने पेपर प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, ये यहीं से पूछे जाएंगे। पूर्वी हिंदी की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि पूर्व में छत्तीस बाघ ने पूर्वी अवध में घूम रही है, ये ट्रिक है। बिहारी की है भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी की है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत आता है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायुनी, गढ़वाली जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे इनका संक्षिप्त इतिहास भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ये मेरठ और सहारनपुर, ये बार बार परीक्षा के जो पुराने पेपर हैं आपको देखने को मिलेगा कि मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है। तो पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। खड़ी बोली, अपने मूल रूप में खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, कलसिया तथा पटियाला जनपद के पूर्वी भागों में बोली जाती है। मुस्लिम प्रभाव के कारण खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक है। यही भाषा आधुनिक हिंदी और उर्दू भाषाओं का मूलाधार है, पर जब उसमें संस्कृत तत्व प्रमुख रहता है तब वह हिंदी या केवल हिंदी खड़ी बोली कही जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाकर यह राष्ट्रभाषा और राजभाषा पद पर भी प्रतिष्ठित है। तो लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। इसमें प्रचुर साहित्य रचा गया है और संस्कृत प्राकृत के माध्यम से आने वाली भारत की विराट सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना की परंपरा अक्षुण रूप में मिलती है। यही खड़ी बोली जब अरबी फारसी के तत्सम अर्ध तत्सम शब्द और पदावलियों से समन्वित रूप में फारसी लिपि में लिखी जाती है तो विदेशी रंग में रंग जाती है, तब इसे उर्दू कहते हैं। जब अधिक अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है तब कौन सी कहलाती है, उर्दू। और उर्दू का क्या अर्थ है, बाजार। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्रारंभ में बाजार की मिली जुली भाषा ही उर्दू थी, जिसका प्रयोग दिल्ली के महलों के बाहर बाजारों में होता था। उर्दू का साहित्य में प्रयोग दक्षिण हैदराबाद से शुरू माना जाता है। औरंगाबाद के वली साहब उर्दू साहित्य के जन्मदाता माने जाते। तो कितने सारे आपके प्रश्न यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। सर्वप्रथम उर्दू भाषा का प्रयोग दक्षिण हैदराबाद से माना गया और उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन थे, औरंगाबाद के वली साहब।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी और उर्दू खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप मात्र हैं, परंतु अब दोनों का विस्तार स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक हो गया है। खड़ी बोली का एक रूप हिंदुस्तानी स्वामी प्राणनाथ 18वीं शती और उनके बाद यूरोपियनों द्वारा प्रस्तुत हुआ। हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप ही हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप ही हिंदुस्तानी कहलाया। तो हिंदुस्तानी भाषा कौन सी है? हिंदी का मिला जुला, हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप। महात्मा गांधी ने हिंदी के इसी रूप की सराहना की, परंतु इसका हिंदी से भिन्न पृथक स्वरूप विकसित नहीं हो सका। अमीर खुसरो की रचनाओं में दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप मिलता है। बाद में दक्षिणी हिंदी के साहित्य में इसे देखा जाता है। तो सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है? अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। आपका एक और प्रश्न तैयार हो गया। जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इसमें से 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। दूसरी भाषा है बांगरू। यह पंजाब के दक्षिण पूर्वी भाग, आज के हरियाणा प्रांत या बांगर प्रदेश में बोली जाती है। इसे जाटू या हरियाणी भी कहते हैं। दिल्ली, करनाल, रोहतक में कौन सी पूछी जाती है? ये अभी के पेपर में था। हिसार, पटियाली, जींद आदि जगह की ग्रामीण बोली बांगरू कही जाती है। यह पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है। थोड़ी सी पंजाबी ले लो, थोड़ी सी राजस्थानी और बाकी खड़ी, तो तीनों को मिलकर बांगरू मिल जाती है। ब्रजभाषा। ब्रजमंडल की प्रमुख बोली है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर में इसका प्रयोग आम जनता करती है। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप बाद में मिला। इससे पहले हिंदी प्रदेश में ब्रजभाषा ही साहित्य की भाषा थी। सूरदास और अश्चाप के कवियों तथा केशव बिहारी, घनानंद देव, पद्माकर आदि रीति युग के कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना करके इसकी अभिव्यक्ति क्षमता को पराकाष्ठा पर पहुंचाया है। ब्रजभाषा में काव्य रचना कर इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता को पराकाष्ठा पर पहुंचाया है। आज भी अनेक कवि ब्रजभाषा में सुंदर रचना कर रहे हैं। कन्नौजी कौन सी है? ब्रजी और अवधी के बीच के भाग में इसका प्रसार है। फरुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटावा, कानपुर के आसपास तक कन्नौजी का प्रयोग मिलता है। कन्नौजी में अनेक प्रसिद्ध कवियों में जिन्होंने कन्नौजी मिश्रित ब्रजभाषा में काव्य लिखे, तो ये हरदोई, ये शाहजहांपुर पूछा हुआ है कि शाहजहांपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। बुंदेली। बुंदेलखंड में विशेषतः झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद में इसका शुद्ध रूप में प्रयोग मिलता है। ओरछा के प्रसिद्ध महाकवि केशव दास ने मध्यकाल में बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा में विशाल साहित्य की रचना की। अवधि। इसे कौशली और बैसवाड़ी भी कहते हैं। बैसवाड़ी भाषा किसको कहते हैं? अवधि को, ध्यान दीजिएगा। परंतु पश्चिमी अवधि वास्तविक बैसवाड़ी है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी के अतिरिक्त इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर जिले के कुछ भागों में भी बोली जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास जैसे महान कवियों ने अवधि में काव्य रचे। बघेली। बघेल राजपूतों के स्थान बघेलखंड में बोली जाती है। रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट जिलों में प्रयुक्त होती है। रीवा में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर जिलों तथा कांवेर, राजनांदगंज, खैरागढ़, रायपुर, सरगुजा में यह बोली जाती है। बघेली छत्तीसगढ़ी में लोक साहित्य तो मिलता है, परंतु अपना विशिष्ट साहित्य नहीं मिलता। भोजपुरी। बिहार के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी नाम पड़ा। बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, छोटा नागपुर में प्रयुक्त होती है। इसमें भी विशिष्ट साहित्य नहीं रचा गया, लोकगीत बहुत मार्मिक हैं। तो छोटा नागपुर में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, पूछा हुआ है। मगही। मगह पर नाम पड़ने के, मगध से बने मगह पर नाम पड़ने के कारण मगही कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली गया, पालमू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। लोक साहित्य और कुछ ललित साहित्य भी इसमें मिलता है। मैथिली। मिथिला की भाषा होने से मैथिली कहलाई। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्राचीन काल से ही इसमें साहित्य रचना पाई जाती है। विद्यापति के पद मैथिली में ही हैं। बाद में गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन आदि ने भी मैथिली में साहित्य रचना कर इसे समृद्ध किया। मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान का यह रूप जोधपुर, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर में प्रयुक्त होता है। सौरसेनी अभ्रंश से
विकसित मारवाड़ी ने प्राचीन डिंगल साहित्य और लोक साहित्य प्रचुरता में मिलता है। मीरा के पद इसी में हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जयपुर अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है, लोक साहित्य इसमें मिलता है। मेवाती अलवर गुड़गांव कोटपुतली और भरतपुर के कुछ भाग मेवात कहा जाता है। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी भी है, इस पर हरियाणवी का भी प्रभाव है, लोक साहित्य भी मिल जाता है। तो अहिरवाटी और मेवाती एक ही है। मालवी ये दक्षिणी राजस्थान इंदौर देवास रतलाम भोपाल होशंगाबाद के आसपास बोली जाती है। मुख्य क्षेत्र मालवा है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला जौनसर सिरमौर मंडी चंपा और उसके आसपास बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल कुमायूं आसपास की गढ़वाली कुमायूं इसमें प्रमुख है। मध्यवर्ती पहाड़ी वर्ग में इसकी गणना होती है। साहित्य थोड़ा है पर लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। हिंदी शब्द अपने विस्तृत अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली उक्त 17 बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब वर्तमान में 18 बोलियां मानी जाती हैं। इसे मैं कल आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द से इन सभी बोलियों के विशाल वागम में से तात्पर्य ग्रहण किया जाता है। ब्रज मैथिली अवधि डिंगल और खड़ी बोली आदि सभी में लिखे साहित्य का विवेचन किया जाता है। ग्रियर्सन ने भाषाओं का जो वर्गीकरण किया था उसमें हिंदी प्रदेश की 2 भाषाओं के साथ हिंदी शब्द जोड़ा, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी। अनेकों राजस्थानी पहाड़ी बिहारी आदि नाम दिए गए। इसीलिए भाषा विज्ञान में पूर्वी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों को सामूहिक नाम हिंदी दिया जाता है। हिंदी खड़ी बोली वह भाषा मानी जाती है जो आज राजभाषा है, जिसका प्रयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में अखबारों आदि में होता है। कहना ना होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने विराट रूप में हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों की अभिव्यक्ति क्षमता और रचनाशीलता का प्रमाण है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी साहित्य सिर्फ हिंदी की खड़ी बोली है, नहीं, बल्कि हिंदी के इस जो बीच वाला गंगा का जो उपजाऊ प्रदेश है ना, जो बीच वाला रहा, देखिए ऊपर वाला भाग हिमालय का और नीचे वाला दक्षिण पठार का, बीच का जो जितना भी भूभाग है उसके अलग अलग क्षेत्रों में जो भी बोलियां बोली जाती हैं वो सब हिंदी के अंतर्गत ही काउंट की जाती हैं। अब हिंदी साहित्य की सामाजिक एवं दार्शनिक परंपराएं, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सब कल हम देखेंगे और इसमें से भी आपके 2-3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। तो और इसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा भी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आज क्योंकि पहली कक्षा है तो थोड़ा सा इसको कम पढ़ेंगे। इसी में से 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं तो बस इन्हीं को तैयार करिए। प्रैक्टिस सेट TGT के पुराने पेपर, PGT के पुराने पेपर, नेट वगैरह के सबके उपलब्ध हैं। प्रतिदिन एक पुराना पेपर चैनल की प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस सेट के रूप में रखिए। साथ ही साथ निःशुल्क पुस्तकें सुनने के लिए इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से परीक्षार्थियों ने हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं बता दूं आपके नाटक निबंध उपन्यास कहानी सब उस पर उपलब्ध हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।